मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं मन से प्रार्थना रत हूँ कि आप सबके परिवार सकुशल हो और आप स्वयं भी एक अच्छे नागरिक की तरह से बर्ताव करते हुए अपने आस पड़ोस को भी सुरक्षित रख रहे हो। मित्रों मानकर चलें कि वर्तमान जो कोरोना आपदा है ये इसका सिलसिला कुछ लंबा भी खींच सकता है। हमारा देश आबादी के लिहाज से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और आज से 73 वर्ष पूर्व भारत पाक विभाजन के समय लगभग 2 करोड़ लोग लड़े थे, तब कारण कुछ और थे। अब कोरोना आपदा है और अब भी कई क्षेत्रों में एक वर्ग के लोग उजड़ने पर विवश हो गए हैं। अब तक के अनुमान के अनुसार अकेले दिल्ली में मित्रों लगभग 55 लाख लोग ऐसे हैं जिनके सर पर किराए की छत रही है और छत भी ऐसी कि उसके तले सोशल डिस्टेंस नामुमकिन है। कहीं कहीं एक ही छत के तले 5 से 7 तक लोग भी रहते रहे हैं। अधिकांश का पेट आज की डेट में अधिकांश का पेट भी खाली है, जेब भी खाली है और ललक एक ही है कि न जाने किस पल कोरोना का दैत्य दबोच ले, घर वालों के बीच अपनी माटी के बीच पहुंच ले। मित्रों ये भी नहीं सोचा कि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कैसे पहुंचेंगे भूखे पेट खाली जेब। दिल्ली में लगभग 55 लाख अगर हैं, तो इससे कई गुना ज्यादा पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बाद राजस्थान से निकल पड़े हैं। कोरोना दैत्य से बचने की शर्तें भी कड़ी हैं मित्रों। बहरहाल जहां कोरोना है वहां करुणा भी है और समय से पहले इधर ध्यान जाता तो शायद ये सब भी मैनेज हो जाता। फिलहाल दुआ करें और जो भी मुमकिन हो कर दें। संभावनाएं अब भी जगी हैं, उम्मीद है ऐसे उपाय निकलेंगे और हम अपने ही लोगों को अपने ही बीच में संभालने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए मित्रों थोड़ा सा विषय को बदलें, क्योंकि ये जिंदगी जो है इसको जीने का सलीका हमें थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। कल गोरखी को याद किया था मित्रों, तो आज तालस साय की एक कहानी को याद कर लेते हैं। जिन्होंने ये कहानी पढ़ी है उनको सब कुछ संदर्भ याद आ जाएगा। कहानी का नाम है शर्त। मेरे एक मित्र हैं महावीर दुखी, उन्होंने आज याद कराई ये कहानी। और संक्षेप में मित्रों ये कहानी दो मित्रों के बीच की कहानी है। दोनों मित्रों के बीच में एक शर्त लगती है कि अगर एक मित्र एक माह तक एकांत में रह जाए तो दूसरा मित्र उसको 2 लाख रूबल या कुछ ऐसी राशि निर्धारित हो गई, वो राशि शर्त के मुआवजे के रूप में देगा। और तय हो गया और उसके बाद एक मित्र एकांतवास में चला गया। पहले दिन उसका आराम से कटा, दूसरे दिन उसने शोर शराबा अपने घर में थोड़ा सा मचाना शुरू किया, तीसरे दिन उसने कुछ अपने घर में तोड़फोड़ की आवाजें भी उसके घर में आने लगी, चौथे दिन भी वो थोड़ा सा चीखा चिल्लाया और उसके बाद धीरे 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 उसकी आवाजें कम होती गईं। और मित्रों जब दिन बीत गए 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन और महीना जब पूरा होने को आया तो जिस मित्र ने शर्त लगाई थी वो कुछ घबराने लगा कि अब तो लगता है कि 2 लाख रूबल का घाटा पड़ गया और ये कम वक्त एकांत में जीना सीख गया है। और उसको घबराहट भी लगी कि अब एकाएक मुझे इतने पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा, शर्त का मामला है। मैंने सोचा था ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा और ये हार जाएगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये कम वक्त एक महीना एकांतवास में काट लेगा। और मित्रों उसने घबराते उसने मित्र का दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने धक्का देकर दरवाजा तोड़ा और तोड़ा तो अंदर देखा कि मित्र तो वहां से गायब है लेकिन वहां पर एक उसके नाम पत्र पड़ा हुआ है। पत्र को उसने उठाया, डरते डरते सहमते सहमते कहीं कोई अजानी दुर्घटना ना हो गई हो, और उस पत्र में लिखा था कि मित्र कुछ दिन एकांत में काटने के बाद मुझे अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातों का नए ढंग से एहसास होने लगा और मुझे जीवन सारा का सारा लगने लगा कि ये जीवन सारा का सारा मिथ्या है और जगत मिथ्या वाली बात जो है वो मेरे मन में कहीं ना कहीं
गहराई में घर करने लगी और मुझे लगा कि अगर मैं शर्त जीत ही गया, अपने मित्र की जेब मैंने काट भी ली, उसकी उसके ऊपर बोझ बनकर उसे 2 लाख रूबल या निर्धारित राशि ले भी ली, तो मैं क्या करूंगा उस राशि का। इसलिए मेरा जो ध्यान है वो सारी चीजों से उठकर अच्छी बातों की ओर लग गया, मैं सद्कर्म की ओर प्रेरित हो गया। मैंने कहा कि बेहतर यह है कि कुछ दिन जो अच्छे गुजारे जाएं और मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ इसलिए कि तुम्हें भी शर्त से मुक्ति मिले, तुम्हारा बोझ भी हटे और मैं भी जिंदगी से जो नीरसता से जिंदगी में भर गई है उससे ऊब कर मैं भी अपने नए सिरे से जिंदगी कहीं और जाकर शुरू कर सकूं। तो मित्रों ये कहानी भी थोड़ी सी एकांत से जुड़ी हुई है, उसी एकांत से जिस एकांत में हम लोग आज के संदर्भ में जीने पर विवश हैं, और एकांत को हम सकारात्मक भी ले सकते हैं। मित्रों किसी मौके पर एक छोटी सी बात और याद आ रही है, बात लंबी ना हो जाए इसलिए उसको छोटा सा करूंगा और अंत में मैं उसका जो अंग्रेजी जो मूल रूप है वो आपको मैं टेक्स्ट मैसेज के रूप में भेज दूंगा ताकि आप अपने आप उसको देख भी सकें। और मित्रों ये कविता है एक, ये कैथरीन ओ'मेयरा की, ये 1869 में लिखी गई थी मित्रों कविता, और कविता के जो शुरुआती अंश है कविता का शीर्षक था एंड पीपल स्टेड होम, ये उसका शीर्षक था कि लोग घर में रहे, और उसमें कविता के शुरुआती अंश में पढ़ देता हूँ, बाकी आप अंग्रेजी में उसका मूल रूप जो है वो बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वक्त होगा आपके पास भी। तो कविता कुछ इस तरह शुरू होती है कि और लोग घर में ही रहने लगे, पढ़ते हुए पुस्तकें और सुनते हुए और विश्राम करते हुए, कसरत करते हुए और कला की रचना करते हुए, खेलते हुए और जिंदगी के नए नए तौर तरीके सीखते हुए, और रुके रुके से लोग इसी तरह जीने लगे, और कोई डूबा ध्यान में, कोई प्रार्थनारत हो गया और कोई बातचीत में मशगूल हो गया, और लोग सोचने लगे नए नए तौर तरीकों में और भरने लगे अपने के और औरों के जख्म, और धरती भी बस मरहम भरने के दिशा में लगती हुई दिखाई देने लगी। और मित्रों जब खतरे खत्म हो जाएं, मैं भी कामना करती हूं कि जब खतरे खत्म हो जाएं तो लोग जुट जाएं नई नई कल्पनाओं में, नए सृजन में और जिंदगी को नए ढंग से परिभाषित करते हुए। मित्रों कविता का जो विस्तृत रूप है वो आपको मैं टेक्स्ट मैसेज अंग्रेजी में भेज रहा हूँ, और इन्हीं लम्हों को किसी बेहतर ढंग से काटने का सलीका ये दोनों घटनाएं सिखाती हैं। बाकी बातें मित्रों कल फिर एक नए एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए ढेरों दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया।